शेर है, नील गाय है। तापसी जी भी रेडी हो चुकी हैं, बड़े हिरन से इस तरह से, और यहाँ का स्टेशन का नाम है चंद्रपुरी। कितना क्लोज आ चुके हैं और ये अपने बेड पे थोड़ा सा आराम कर रहा था। तो देखिए अब ये सारस है जो इस समय आरिफ और सारस की दोस्ती जो मशहूर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं तानी के साथ, आज हम लोग जा रहे हैं जू, चिड़ियाघर जा रहे हैं। दोस्तों हमारे लखनऊ में बहुत अच्छा चिड़ियाघर है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, शेर है, नील गाय है, हिरन है, बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों, और वहाँ पर बोटिंग वगैरह भी होती है। तो आज हम जाएंगे वहाँ, खूब मस्ती करेंगे, दिखाएंगे आपको वहाँ पर कैसा क्या चीज़ है, एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे। हाँ, और ये मम्मा को तानी तुम एक्साइटेड हो जाने के लिए है? तो सबसे ज्यादा वहाँ क्या देखोगी या बोटिंग करने के लिए कह रही होती है? हाँ, वीडियो में बने रहिएगा वीडियो में। और दोस्तों हम कुछ खा के जा रहे हैं, सुबह से बस वही कुछ खाया था नाश्ता, तो अभी तापसी जी गई हैं, दाल चावल लेकर आ रही हैं, तो बस अभी हम खाते हैं और झट से निकलते हैं। दोस्तों फाइनली खाना आ चुका है, दाल और चावल खाने में, तो चलिए खाना खा लेते हैं। चाय आ गई है, चाय पीते हैं। तो फाइनली दोस्तों रेडी हो चुके हैं, बस हम लोग निकल रहे हैं। तापसी जी भी रेडी हो चुकी हैं, तो हम लोग निकल रहे हैं ना तानी। तो हम लोग अपनी प्यारी सी गाड़ी से निकलते हैं, बस हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों ये सामान हमने ले लिया है तानी ने, तो सारी चीजें इसमें मिक्स हैं, बस लिए लेके जा रहे हैं हम लोग। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है अब है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके चिड़ियाघर, आप देख सकते हैं सामने गेट है और लखनऊ जू है ये। अब हम अपनी गाड़ी को लगाएंगे पार्किंग में, फिर आगे आपको दिखाते हैं। ये मेन गेट है इसका और ये राइट में आप देख रहे हैं टिकट काउंटर है। तो दोस्तों बस हम गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये टिकट घर है और टिकट घर में जाके देखते हैं कितने रुपए का टिकट हो गया अब, क्योंकि काफ़ी पहले समय आए थे। तो टिकट का कुछ ऐसा है, टिकट 12 वर्ष से ऊपर 80 रुपये है और बच्चों का है 5 वर्ष से 12 तक 40 रुपये। तो चलिए टिकट लेते हैं हम लोग, लाइन काफ़ी है, भीड़ आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। तो दोस्तों टिकट का कुछ सीन ऐसा था जिसमें कि बड़े की 80 और छोटे की हाफ, तो हमने टिकट ले लिया, अब हम जाते हैं। इस प्रकार से बाहर का ये सीन है और हम लोग बस एंट्री करते हुए गेट की तरफ जाते हैं। आ जाओ, ये देखो तानी भी जा रही है, तापसी जी भी, सामान भी जा रहा, देखते हैं ये लोग रोकते हैं कि क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों बस अभी हम लोग बस एंट्री करके अंदर जैसे आए हैं और हम देख रहे हैं हमारे पीछे देखिए फ्लावर, कितना अच्छा फाउंटेन है और इस पर लिखा हुआ है 10 ईयर्स लखनऊ जू, ठीक है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने प्यारा लाइन है, फाउंटेन है, फुहारा कितना अच्छा लग रहा है। और तापसी जी देखिए फ़ोटो ले रही है, सेल्फी अपनी, और तानी इधर, हाँ आइए लौट में आएंगे बेटा, तानी लौट के सब आएंगे देखने। रास्ता इधर जाता है तो हम लोग इस साइड जाते हैं, तो आगे जा रहे हैं। स्टार्टिंग में दोस्तों सबसे ज़्यादा इधर से बिल्कुल सीधे चल के देखना है हम लोग को, ये रास्ता जाता ना हम लोग की तरफ सीधे, तो यहीं से स्टार्ट हो जाता सारा कुछ। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को हिरन दिखे हैं कुछ इस तरीके से, और कुछ ज़्यादा तादाद है इसमें, आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग को। देखिए इसमें वाइट भी हैं और इसमें जो ब्राउन कलर के होते हैं वो हैं, और बच्चे इसमें कुछ ज़्यादा दिख रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं आप देख सकते हैं। पहले चीज़ ये दोस्तों, ये देखिए कुछ बड़े हिरन हैं इस तरह से, आप देख लीजिए कैसे बैठे हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हुए हैं। और क्योंकि आज जो मौसम है हल्की धूप है, हल्की छांव है, बहुत ही अच्छा मौसम है, तो इस वजह से सारे जानवर बाहर आ चुके हैं, कितना अच्छा लग रहा है। ये यहाँ पे ट्रेन भी चलती है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितनी प्यारी ट्रेन है, आप देख सकते हैं। और यहाँ का स्टेशन का नाम है चंद्रपुरी, अंदर जो चिड़ियाघर के अंदर जो बनी है, तो आप देख सकते हैं कितनी देखने में सुंदर है। यह देखिए कुछ इस तरीके से है, ये मंकी बैठा हुआ, हेलो इधर 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 देखो इधर, उधर मुंह घुमाए हुए देख नहीं रहा है, गुस्सा लग रहा है मंकी मंकी, दोस्तों गुस्सा लग रहा है, देख नहीं रहा है इस साइड। दोस्तों आप देख सकते हैं मोर, मुझे तो साफ दिख रहा है, शायद पता नहीं कैमरे में दिख रहा नहीं दिख रहा इतना क्लियर, तो देख सकते हैं आप मोर है सामने,
दोस्तों आप देख सकते हैं ये चील है या गिद्ध, गेस करके बताइए क्या है ये। और देखिए किस तरह से बैठे हुए हैं और काफ़ी बड़े हैं दोस्तों, बहुत बड़े बड़े हैं। इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी पुरानी ट्रेन्स है, आप देख सकते हैं बहुत पहले ही चलती थी हमारे देश में, बहुत काफ़ी पुरानी इसको बना रखा है, देख लीजिए। और इस तरह से कुछ इसका डिज़ाइन है। यहाँ का व्यू कितना अच्छा है और कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नेचुरल और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का व्यू, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों हमको यहाँ पर, क्योंकि जितने ज़्यादा पेड़ होते हैं उतनी ज़्यादा अच्छी जगह लगती है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं ये भालू वाले बाड़े में, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर आगे चल के। भालू महाराज कुछ इतना ज़्यादा पास आ चुके हैं, ये देखिए। हेलो हेलो भालू, हेलो हेलो हेलो, देखिए कुछ इस तरीके से कितना क्लोज आ चुके हैं। अब टाइम आ चुका है बाघ का, तो ये बाघ का बाड़ा आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा बाघ का बाड़ा है। और अब हम देखते हैं कि बाघ कहां पर है, चल के आगे। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा हो ये बांधने के पीछे, ये देखिए बाघ महाराज जा रहे हैं शान से एकदम। और यहाँ से इतना क्लियर नहीं दिख पा रहा क्योंकि यहाँ पे कुछ बाउंड्री सी सामने आ रही है, तो हम आपको दूसरी तरफ से जाके भी दिखाएंगे एक बार। आप देख सकते हैं एक दूसरा बाघ जो है बिल्कुल आराम से विश्राम कर रहा है अपने बेड पे, ये देखिए थोड़ा सा उठ गया, थोड़ा और जूम करके आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए कितना क्लियर एकदम दिख रहा है। और ये अपने बेड पे थोड़ा सा आराम कर रहा था और कितना अच्छा लग रहा है। और ज़्यादातर लोग सबसे ज़्यादा इसी को देखने आते हैं यहाँ पर, तो पता ही है कि शान की शान का है। तो ये थोड़ा पास से आ चुके हैं, आप देख सकते हैं कुछ थोड़ा पास से जाके दिखा रहे हैं आपको, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से लेटा हुआ है, कुछ आराम कर रहा है। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा होगा तो प्लीज़ देखते रहेगा, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि जितना ज़्यादा आपको यहाँ पे जानवरों को दिखा सकें, और इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, तो प्लीज़ बने रहिएगा। और तानी देखो कितनी खुश है, तानी था भालू का साइन है ना। हाँ लेकिन दिख नहीं रहा भालू कहीं पे, साइन तो है लेकिन दिख नहीं रहा, शायद अपने अंदर घर के अंदर होगा। चलो अब आगे देखते हैं आगे और क्या दिखता है। तो देखिए अब ये सारस है जो इस समय आरिफ और सारस की दोस्ती जो मशहूर थी, तो आप देख सकते हैं ये तो हम चिड़ियाघर में आपको दिखा रहे हैं इस तरीके का सारस, देखिए इस तरह का होता है और बिल्कुल पास से दिखा रहे हैं। और कितना शांत पक्षी है आप देख सकते हैं कितने अच्छे से, थोड़ा सा और जूम करके हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है।